किशन जी के हाथ है जनक पिचकारी। मोदी योगी जी को धन्यवाद। मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ उनकी ये सोच कि कर्मठता 365 दिन, कार्यकर्ता जमीन पे रहो, सांसद विधायक मंत्री जमीन पे रहो, मुख्यमंत्री जमीन, ये मोदी जी की सोच है। ये उनकी सीख संगठन के द्वारा संगठनात्मक तरीके से कार्यकर्ता जमीन पर काम करे। कोविड काल में उन्होंने अनाज से लेके सुरक्षा व्यवस्था और पूज्य योगी महाराज जी जनों सुरक्षा व्यवस्था की और अपने पिता की चिता को अग्नि ना देते हुए जनता की सेवा में, जनता की जान बचाने में, ये उसका फल है। आज प्रभु राम का मंदिर बन रहा है तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने सोच लिया कि अब राम राज्य लाना है। तो यह राम राज्य की शुरुआत है, एक नया उत्तर प्रदेश, एक नया भारत, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा, जैसे हमारे पूज्य महाराज जी ने सोचा, उस दिशा में देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने स्वयं का भविष्य चुना है। वो कौन से मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा फैक्टर इस सुरक्षा व्यवस्था, मुफ्त में अनाज, कोरोना में बचाना, डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी जी का चेहरा, जो हिसाब से परिवार नहीं, एक निस्वार्थ सन्यासी, एक स्वार्थ में परिवारवाद को लेके जात पात की राजनीति करने वाले लोग, जनता ने उनको ध्वस्त कर दिया, उनकी राजनीति खत्म कर दी। अब यहां पर एक निस्वार्थ सन्यासी है जो एक प्रदेश 25 करोड़ की जनता को अपना परिवार समझ के चल रहा, उनकी जीत। विपक्ष के लिए संदेश? विपक्ष के लेके भैया हो जिंदगी झंडवा, अब कौन भी बात के घमंड बाम कहले रही ना, ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, ना साइकिल ना हाथी ना हाथ बा, इबेर भैया हो माई हो, हर हर महादेव, यूपी में योगी आदित्यनाथ।